दोस्तों, जो इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन है उसको देखने के बाद हमें पता लगता है कि हमारे पास कोस्टल रीजन्स सिग्निफिकेंट हैं। इन रीजन्स का मतलब है कि हमें लैंड बॉर्डर्स पर तो डिफेंस करना इम्पॉर्टेंट है ही, पर हमें मैरीटाइम रीजन्स को भी सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपने मैरीटाइम डिफेंस को लगातार मजबूत करने की ओर काम करे। इसी तरफ काम करने से रिसेंटली नवी को प्रोजेक्ट 15B में बन रही 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स की पहली शिप INS विशाखापट्टनम डिलीवर हो चुकी है, जो मजगांव डॉक्स लिमिटेड यानी MDL द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, इस डिस्ट्रॉयर का नाम Y12704 है, जिसे INS विशाखापट्टनम नाम दिया जाएगा। नेवी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि 163 मीटर लॉन्ग इस वॉरशिप का फुल लोड डिस्प्लेसमेंट 7400 टन्स है, जो 30 नॉट्स की स्पीड तक जा सकती है। इस प्रोजेक्ट में नेवी ने कहा इंडिजिनस कंटेंट करीब 75% है। आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट 15B को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट से इंडियन नेवी को क्या क्या फायदे होने वाले हैं और कैसे ये शिप्स इंडिजिनसली बनाई जा रही हैं। इन शिप्स में मिसाइल से लेकर एडवांस स्टेल्थ मोड भी मौजूद है, जो नेवी को इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट से लेस बनाते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जो इंडिया में डेवलप नहीं हुए हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट 15B को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। जनवरी 2011 में मजगांव डॉक्स लिमिटेड यानी MDL मुंबई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने थे। प्रोजेक्ट का बजट ₹29,643 करोड़ था, जिसमें 4 वॉरशिप्स का कंस्ट्रक्शन करना था। ये प्रोजेक्ट दोस्तों कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट 15A का एक फॉलो ऑन वर्जन है। ओल्डर वर्जन में इंडिजिनस इक्विपमेंट्स का परसेंटेज कम था और स्टेल्थ मोड भी इन्हेंस्ड नहीं था। इस फॉलो ऑन यानी प्रोजेक्ट 15B का डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया है, जिसमें इंडिया के चारों कोनों के 4 मेजर शहरों के नाम से वॉरशिप्स बनाई जानी है। इसमें विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत डिस्ट्रॉयर्स होंगे, जिसमें से पहला यानी विशाखापट्टनम नेवी को अक्टूबर 28, 2021 के दिन मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ क्लास विशाखापट्टनम को अप्रैल 2015 में बनाना शुरू किया गया था। दूसरी शिप यानी मोरमुगांव को सितंबर 2016 में शुरू किया गया था, जो 2022 में नेवी फ्लीट ज्वाइन कर सकती है। इस क्लास की थर्ड और फोर्थ यानी इम्फाल और सूरत 2023 से 2024 के बीच में सर्विस में एंटर कर सकती हैं। ये सभी डिस्ट्रॉयर्स गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, जो इंडियन नेवी के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बताए गए हैं। इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स सेंसर्स पैकेज होगा। एडवांस स्टेल्थ फीचर्स के साथ साथ मोस्टली ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे। हर शिप की लंबाई 163 मीटर होगी और हर एक शिप में कंबाइंड गैस एंड गैस यानी COGAG कॉन्फ़िगरेशन वाले 4 गैस टर्बाइंस प्रॉपलिंग के यूज होंगे। इन सभी का स्टेल्थ होना इस प्रोजेक्ट की खासियत बताई जाती है। दुश्मनों को ना नजर आना और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस होना इंडियन नेवी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हर एक शिप 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट और कैरी करने के लिए इक्विप्ड होगी। ये शिप्स नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के लिए ट्रूली क्लासिफाइड हैं, क्योंकि इन पर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IPMS, शिप डेटा नेटवर्क यानी कि SDN, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि APMS और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS जैसे सिस्टम लगाए जाएंगे। दोस्तों, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसलिए कहलाता है क्योंकि सभी अलग अलग नेटवर्क मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका डेली यूज में आने वाला इंटरनेट है। स्टेल्थ फीचर को इन्हांस करने के लिए इन शिप्स पर रडार ट्रांसपेरेंट डेक पर फिट किया गया है, जो इन्हें डिटेक्ट होने के लिए मुश्किल बनाता है। और फीचर्स की बात करें तो इन शिप्स में मल्टीपल फायर जोन्स, टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम फॉर एयर कंडीशनिंग, बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स, सर्वाइवल बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम्स एंड एमरजेंसी DA लगाए गए हैं। इन शिप्स को 50 ऑफिसर्स और 250 सेलर्स के एकोमोडेशन और वर्किंग स्पेस की कैपेसिटी का बनाया गया है।
इन शिप्स के फायर पावर की बात करें तो इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन सेंसर्स ऐड किए गए हैं, किनारों के लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट्स और सी बेस्ड टारगेट के लिए इनमें सरफेस टू एयर मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स इंक्लूड की गई हैं। नेवी के मुताबिक ये शिप्स सिग्निफिकेंटली हाई इंडिजिनस कंटेंट के साथ बनाई जा रही हैं, जिनमें वेपन्स के प्रकार, मशीनरी और मटेरियल शामिल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो विशाखापट्टनम क्लास इन शिप्स में करीब 65% से 75% कॉम्पोनेंट्स डोमेस्टिकली डिजाइन और प्रोड्यूस लगाए गए हैं। इनमें 11 वेपन और एसोसिएटेड सेंसर सिस्टम्स शामिल हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिक्स दोस्तों हमेशा से हॉट टॉपिक रही है। इस रीजन में चाइना एग्रेसिवली अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ चाइना का इंडो पैसिफिक में होना इंडिया के लिए कंसर्न पैदा करता रहता है। ऐसे में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स नेवी के लिए जरूरी हैं। लेकिन क्या ये काफी है? पर्सपेक्टिव के लिए हम इंडिया, चाइना और यूएसए को कंपेयर करते हैं। प्रोजेक्ट 15 भी इंडिया को स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस देगा, लेकिन चाइना के सुपीरियर नेवल पावर से इंडियन ओशन रीजन में कंटेंट करना अब भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम एक एक कदम को पूरी मेहनत के साथ उठाते रहें। चाइना के पास रिपोर्टेडली दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है, जिसमें 777 वेसल्स हैं, जबकि इंडिया के पास केवल 285 वेसल्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो चाइना के पास 50 हैं, वहीं इंडिया केवल 10 डिस्ट्रॉयर्स रखता है। 2015 से 2019 के बीच चाइना ने 132 वेसल्स बनाए हैं, जबकि यूएसए ने केवल 68। इसी टाइम स्पैन में इंडिया ने 48 शिप्स कंडक्ट किए हैं। इंडियन नेवी को यदि चाइनीज नेवल पावर से कम्पीट करना है तो हमें मैरीटाइम डिफेंस में तेजी से काम करने की जरूरत होगी, और उसमें ये प्रोजेक्ट 15 भी एक काफी बड़ा कदम है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और कहां पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।